Good morning, class 6th. Students, in the previous classes, we have started a new chapter, chap number 6, Early Kingdoms, and this chapter is related to our history portion, and we have done several topics like Janpad, Mahajanpad, Ashwamedh, Yagya, and in the previous class, we have completed Magadha Empire. So now, in this class, we will discuss Nand Dynasty. So the time period of Nand Dynasty is 364 BC to 321 BC. The full form of BC is before Christ. So ye time period hai Nand Dynasty ka. So the first line we will study about this dynasty is, who is the founder of this dynasty? Is dynasty ka, ya phir hum bole, is dynasty ko banaya kisne, isko found kisne? Matlab aise nahi kahin khoi hui thi, matlab yahan par isse hai ki kisne khoja, kiski wajah se ye dynasty bani. So the founder of Magadha dynasty is, the founder of Magadha dynasty, Mahapadmanand. Okay? इनके नाम से, मतलब इनकी वजह से डायनेस्टी निकली है, बनी है. ही वॉज द फाउंडर. नाउ द किंगडम ऑफ मगध, यहाँ पर नंद डायनेस्टी की बात हो रही है, पर पिछली क्लास में हमने मगध पढ़ा था. द किंगडम ऑफ मगध रीच द पिनाकल ऑफ पावर एंड ग्लोरी ड्यूरिंग हिज रीन. नाउ इस टाइम पीरियड में, मगध में जो डायनेस्टी रूल कर रही है, इनके काल में मगध बहुत सफलता की उच्च चरम पे पहुंच गया था एंड पावरफुल हो गया था. उसकी जो समृद्धि थी हर जगह फैल रही थी. द लास्ट रूलर, मतलब खोजा तो इन्होंने, ठीक है, कहीं खोई हुई नहीं थी, बट मीन बता दिया है. द लास्ट रूलर ऑफ मगध डायनेस्टी वॉज धनानंद. ओके, अब ये जो रूलर थे वो ज़्यादा फेमस नहीं थे कि ये बहुत ज़्यादा हमारे सर्वे सर्वा हैं, बहुत ज़्यादा दयालु है, ऐसी कोई बात नहीं थी. ही वॉज अ क्रूअल रूलर. ओके, धनानंद वॉज अ क्रूअल रूलर एंड इस चीज़ का फ़ायदा, ही वॉज वेरी अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट, मतलब अपने कामों की वजह से बहुत ज़्यादा ये बदनाम थे. कौन? यहाँ पर धनानंद की बात हो रही है. फर्स्ट रूलर यानी फाउंडर महापद्मनंद. अगर लास्ट रूलर की बात करें, हु वॉज द लास्ट रूलर? धनानंद. क्रूअल किंग थे, इनके काम से लोग प्रसन्न नहीं थे, ये बहुत अनपॉपुलर थे अपने रीजन के अंदर. एंड अब इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने. चंद्रगुप्त मौर्य took advantage of his unpopularity. अब देखिए, जब एक राजा है वो फेमस नहीं है, उसके काम से लोग खुश नहीं हैं, तो वो चाहेंगे कि कोई और राजा आए. अब डायरेक्टली वो ये बात कर नहीं सकते हैं कि इनको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इनको मार दिया जाएगा. तो यहाँ पर बात है, उनकी अनपॉपुलैरिटी से एक तरीके से उसका फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उनके थ्रोन को, मतलब उनकी जो गद्दी है, उनकी जो सत्ता है, उसको हथिया लिया. कब? ऑक्यूपाइड थ्रोन ऑफ मगध. मगध की जो सत्ता धनानंद के हाथों में थी, वो किंग बने हुए थे. ही ऑक्यूपाइड, हु ऑक्यूपाइड? चंद्रगुप्त मौर्य ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ मगध इन 321 BC. तो इस BC से ये जो नंद डायनेस्टी है उसका एक तरीके से डिक्लाइन हो जाता है एंड मौर्यन डायनेस्टी बाद में आके निकलती है. तो इससे तीन चार क्वेश्चन वैसे बन गए. हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य. हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? महापद्मनंद. हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ धनानंद, सॉरी, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी? धनानंद. एंड द टाइम पीरियड ऑफ नंद डायनेस्टी 364 BC टू 321 BC. ना ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स टैक्सेशन, विच इज ऑन पेज नंबर 46. इसी का कंटिन्यू पॉइंट है टैक्स. अब टैक्स कैसे ले जाते हैं? कोई भी जो किंगडम है वो बिना पैसों के चलेगा नहीं. अब पैसे कहाँ से आएंगे? जनता ही देगी पैसे, मतलब जनता उस जगह पर रह रही है. तो हम लोग अभी भी किसी ज़मीन पर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो हम उसके बदले टैक्स देते हैं. टैक्स का मतलब ये नहीं कि हम उस जगह में रहने की कीमत चुका रहे हैं. टैक्स का मतलब है हम उस जगह पर रहते हैं, हम वो पैसे देते हैं, उन पैसों का भला हमारे लिए ही होता है. जैसे रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम्स बन रहे हैं, मेट्रो हो गई, या फिर कोई और भी अदर फैसिलिटीज़ हो गई, टैक्स हम लोग देते हैं और वापस हमें ही मिल जाता है. तो क्या हो गया, एक तरीके से सर्कल हो गया, घूम फिर के हमारे पास ही आ गया हमारे पैसे, ऐसी बात. सो टैक्सेशन उस टाइम पर किस तरीके से लिया जाता था?
टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, पहला है, इसको एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, टैक्सेशन किस तरीके से लिया जाता है. ओके, टैक्सेशन फर्स्ट पॉइंट इज ऑन क्रॉप्स. अब बिल्कुल उस टाइम के जो लोग थे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे. एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ से कल्टीवेशन होगा, अनाज उगेगा. अब उस अनाज को वो बेचेंगे तो उनके पास पैसा आएगा. अब एग्रीकल्चर से भी, मतलब जो किसान है उनसे भी टैक्स लिया जाता था, उनसे 1/3 टैक्स लिया जा रहा है, मतलब अराउंड 33%. ओके, कितना लिया जा रहा है उनसे, मतलब अगर उन्होंने इतनी उनकी खेती है तो उन्होंने कम से कम इतनी जो ज़मीन है, मतलब इतनी जो उनकी आय हुई है, इतना परसेंट ये किसको देना पड़ेगा, ये उन्हें देना पड़ेगा किंग को. ठीक है, एज इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स. सॉरी, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द टैक्स वॉज फिक्स्ड, सॉरी यहाँ पर 1/6 है, 1/6 was fixed at 1/6 of produce. This was called भाग और शेयर. मतलब जैसे आपकी मम्मी आपके लिए कोई चॉकलेट लेके आई है, आपके ब्रदर बोलते हैं इसमें से मुझे शेयर दे दो, तो हाफ ऑफ हम लोग शेयर कर लेते हैं. वही बात यहाँ की जा रही है कि हमने अगर 100% कुछ उगाया है तो उसमें से हमें कुछ भाग या फिर शेयर किंग को एज इन फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता है. नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, टैक्सेस आर ऑल्सो लेविड ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड. अब गुड्स पर भी, मतलब कोई सामान अगर बाहर बेचा जा रहा है या फिर लाया जा रहा है, दोनों चीज़ों पर टैक्स लगाए जाते थे. एंड वो टैक्स भी कौन अपने अंडर में ले लेता था, किंग के अंदर में वो टैक्स चला जाता था. थर्ड पॉइंट, हंटर्स एंड गैदरर्स हैड ऑल्सो टू प्रोवाइड द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट टू द किंग. अब हंटर्स मीन्स जो शिकार करते हैं, गैदरर्स जो फूड इकट्ठा करते हैं, उन्हें भी जो उन्होंने सामान इकट्ठा किया है, जो जंगलों से उन्हें मिला है, उसका भी शेयर एक तरीके से टैक्स के फॉर्म में किंग को देना पड़ता था. थर्ड पॉइंट है हर्डर्स. यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट अभी हम पढ़ेंगे. यहाँ पर आएगा हंटर्स भी देते थे टैक्स. फिर उसके बाद यहाँ बात हो रही है हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोड्यूस. एनिमल्स प्रोड्यूस जो भी निकलता है उनमें से, वो उन्हें टैक्स के तौर पे करना पड़ता था. पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट, टैक्सेस वर ऑल्सो पेड बाय क्राफ्ट पर्सन एज वेल. जैसे बढ़ई हो गए, मिट्टी का सामान बनाने वाले हो गए, जो भी क्राफ्ट बना रहे हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ रहा है. दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेबर. अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे 1000 मटके दे दो आपने टैक्स पे कर दिया, बिल्कुल नहीं. उन्हें अपनी मजदूरी देनी पड़ती थी किसको, किंग को. फॉर एग्जाम्पल, वीवर्स में हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर अ किंग. वीवर अपनी एक दिन या फिर महीना क्या देगा, अपने किंग को देगा, तो उससे उसका टैक्स पे हो जाएगा. सिंस मोस्ट पीपल वर्क फार्मर्स, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. सॉरी, अब उस टाइम पर सभी लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मगध डायनेस्टी, या सॉरी अभी यहाँ नंद डायनेस्टी की बात करेंगे. सो नंद डायनेस्टी के लोग अधिकतर फार्मर्स थे. एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, जिससे टैक्स आ रहा है. हम लोग 1/6 टैक्स ले रहे हैं किसानों से. फार्मर्स हैड टू गिव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर. अदर्स सच एज पॉटर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स ऑल्सो पे टैक्सेस ईदर इन कैश और इन काइंड और बाय ऑफरिंग फ्री सर्विस टू द किंग. यहाँ पर किसान के देने की बात होगी, उसके साथ साथ पॉटर्स मतलब जो पॉट्स बनाते हैं, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, वीवर्स, इन सभी को टैक्स देना पड़ता था. चाहे वो आप पैसे के रूप में दीजिए या फिर लेबर के रूप में दीजिए, बात यही है किसी को बख्शा तो जा ही नहीं रहे हैं,
Taxes were very important as the king depended on them to run his empire. For collecting taxes, tax collectors were appointed. Tax बिल्कुल ज़रूरी है. हम काम कहाँ से करेंगे, मतलब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम आपके भले के लिए काम कैसे करेंगे. तो वो जो tax आ रहा है वो आप लोगों से ही आ रहा है और आप लोगों पर ही एक तरीके से खर्च किया जा रहा है. So by this class we have discussed Nand dynasty, the introductory part of Nand dynasty, who was the founder, who was the last ruler, and after Dhananand who occupied the Nand dynasty, what was the time period of Nand dynasty and the taxation process of Nand dynasty. So founder Mahapadma Nand, last ruler Dhananand. Next, who occupied this dynasty? Magad dynasty. Chandragupta Maurya. Indirectly, we can say that who was the founder of Mauryan dynasty? Chandragupta Maurya. Taxation ke saare ke saare hum logon ne points dekh liye the. Now, in the next class, we will discuss villages and towns, society, trade, religion, and changes in agriculture. So that's it for today's class. Thank you.